आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद सिवनी में है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। सिवनी नगर पालिका कांग्रेस शासित है और जिलाधिकारी संस्कृति जैन, अभी जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, वे भी नगर निगम से यहाँ पहुँचे हैं। इस लिहाज से नगर पालिका या स्थानीय निकायों पर उनका नियंत्रण बहुत बेहतरीन माना जा सकता है, किंतु ये सब होने के बाद भी सिवनी के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। शहरों पर शहर की सड़कों पर आवारा मवेशी खुले आम घूमते विचरण करते नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आप जिस भी गली में चले जाएं, वहां आपको आवारा मवेशी दिखाई देते हैं। इस सब के बाद भी आवारा मवेशियों को रोकने की दिशा में, आवारा मवेशियों को पकड़ने की दिशा में नगर पालिका परिषद पूरी तरह अकर्मण्य ही साबित होती दिखती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपको हम दिखा रहे हैं। शहर की सड़कों पर बेखौफ विचरण करते हुए आवारा मवेशी दिख जाएंगे और ये आवारा मवेशी सुबह से लेकर रात तक सड़कों पर आतंक बरपाते नजर आते हैं। अनेक नागरिकों के द्वारा इन मवेशियों को पकड़ने के लिए कई बार नगरपालिका परिषद जिला प्रशासन से गुहार लगाई है, किंतु उनकी गुहार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखिए छिंदवाड़ा रोड का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा रोड में वाहन रात के समय चले आ रहे हैं और रात के समय आप यहाँ देख सकते हैं किस कदर आवारा मवेशी सड़कों पर विचरण करते हुए दिख रहे होंगे। बहुत दुखद स्थिति है सिवनी की। इस मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, सभी मौन ही धारित किए हुए नजर आते हैं। पता नहीं इस मामले में नगरपालिका परिषद की मस्कें, ये देखिए यहाँ पर दुर्घटना घटित होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आवारा मवेशियों के कारण। रात का समय है, एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आवारा मवेशियों के बीच से सर्कस के बाजीगरों के मानिंद लोग अपने वाहन निकाल कर ले जाते हैं। काले रंग के वाहन आपको यहाँ, काले रंग के आवारा मवेशी जो रात में दिखाई नहीं देते हैं, वे भी सड़कों पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पूरे शहर का कोई भी इलाका शायद ऐसा बचा हो जहाँ आवारा मवेशी न दिखाई देते हों। नगर पालिका परिषद को इस मामले में कार्रवाई करने में गुरेज क्यों है, बात समझ से परे है। नगर पालिका परिषद अजब गजब है, इस तरीके की बात लोगों का कहना है, नागरिकों का यही कहना है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को इस एक संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामले में नगर पालिका परिषद को, कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद है, इसे घेरना चाहिए था, इन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, किंतु भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी मौन ही इख्तियार करते हुए देखते हैं और वे भी पूरे मामले में अगर देखा जाए तो खतों किताब की सियासत ही सभी करते नजर आते हैं। दिनेश राय विधायक, जिला मुख्यालय उनके विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है, भारतीय पारधी सांसद हैं, सिवनी विधानसभा उनके बालाघाट लोकसभा में आता है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, दोनों मंडलों के अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं दिखाई देता है। पता नहीं किस बात से सभी लोग मौन हैं, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अनेक नागरिकों के द्वारा प्रशासन से बार बार गुहार लगाए जाने के बाद भी ये आवारा मवेशी हटाने की दिशा में, इन्हें पकड़ने की दिशा में कोई भी कार्रवाई नगर पालिका परिषद सिवनी के द्वारा नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी
संस्कृति जैन से अपेक्षा है कि वे स्वयं, ये देखिए यहाँ श्वान आपको दिखाई दे रहे होंगे, बारिश का मौसम है, श्वान हिंसक होते जा रहे हैं। बारिश का मौसम प्रजनन काल इनका माना जाता है और ये बहुत हिंसक हो जाते हैं बारिश के मौसम में। जिलाधिकारी संस्कृति जैन से जन अपेक्षा है कि वे इस मामले में नगर पालिका परिषद को की मशकें कसें। दरअसल अभी लगभग दो ढाई दशकों से ये देखा जा रहा है कि लगातार ही जो भी जिलाधिकारी आता है वो बहुत कड़े निर्देश जारी करते हैं। उन निर्देशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसे देखने की फुर्सत किसी को भी नहीं होती है। निर्देश दर निर्देश, बैठक दर में बैठक ही लगातार चलती रहती हैं, पर जमीनी स्तर पर अमली जामा कितना पहनाया जा रहा है इस बारे में कोई भी कुछ भी बोलने सुनने को तैयार नहीं होता है। जिले में अभी प्रभारी मंत्री भी नहीं है, क्योंकि प्रदेश में प्रभार मंत्रियों का प्रभार अभी निर्धारित नहीं किया गया है। ये एक गंभीर समस्या सिवनी शहर की बनी हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।